अस्सलामुअलैकुम, अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम हलवाई स्टाइल में शाही मटर पनीर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे गर्मा गर्म नान, बटर नान, गार्लिक नान, रुमाली रोटी किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। कोई यकीन नहीं मानेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेम्प्टिंग बनी होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं हलवाई जैसी शाही मटर पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ पनीर। ये है हमारा हाफ कप मटर। उसके बाद में ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, जिसमें से एक चम्मच ज़ीरा है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो ग्रीन कार्डमम है और चार लौंग है। उसके बाद में ये एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद में ये कुछ ड्राई स्पाइसेस है, कुछ इस तरह से। एक चम्मच नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। एक चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद में ये हमें लगेगी क्रीम। यहाँ पे हमने दूध के ऊपर की जमी हुई मलाई यूज़ करी है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते। अब भाई शाही चीज़ें तो पड़ेंगी ही ना। तो आ जाते हैं इधर। ये है हमारे कुछ 8 से 10 काजू, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद में ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है खोया। खोया हमने लिया है 50 ग्राम। आपको वो एकदम दरदरा, दानेदार, हल्का खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आता है ना शादियों वाली शाही पनीर खाने में, तो ये ना खोए से आने वाला है। उसके बाद में हमने ली है यहाँ पे एक चम्मच कसूरी मेथी। इसको हमने ड्राई रोस्ट करके लिया है। ड्राई रोस्ट करने से टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद में ये कुछ सब्जियां हैं, जो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, और सेम दो मीडियम साइज़ के अनियन हैं उसे भी हमने रफली चॉप किया है, और ये चार हरी मिर्च हैं। फिर बना ही लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने एक अपना रखा है वेसल और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल। देखिए तेल हमारा गरम हो गया। अब हमने ये जो रफली चॉप अपनी सब्जियां ली थी ना, ये डाल देंगे इसमें और इसे थोड़ा सॉफ्ट, बहुत नहीं कुक करेंगे, बस ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। उसके बाद में इसे निकाल के हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए हमने प्याज टमाटर और अपनी हरी मिर्चों को कुक कर लिया। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे प्याज टमाटर हरी मिर्चों का जो हमने फ्राई किया था ना, ये ठंडा हो गया। अब हम इसे अपने जार में डाल करके बिना पानी डाले इसका एक पेस्ट बना लेंगे थिक सा। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। ये देखिए अब हम अपने सेम पैन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस डाल देंगे और इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस चलो फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक हमने इसे इसे तेल में फ्राई कर लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। बस अब हम इसी सेम तेल में अपने जो खड़े गर्म मसाले लिए थे ना, ये डाल देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे। बाद में ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना, ये डाल देंगे इसमें। हम इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें मटर भी डाल देंगे अपने। अब हम अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। देखिए इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कुक करेंगे जब तक हमारे जिंजर गार्लिक की जो रॉ स्मेल होती है ना, वो चली नहीं जाती तब तक। ये मटर और ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम बस ये जो मसाले लिए थे ना, ड्राई स्पाइसेस, गरम मसाला छोड़ के बाकी सारे मसाले डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये वही पानी हमने जिस जार में पेस्ट बनाया था ना, उसी में थोड़ा रह गया था, तो हमने पानी डाल के मिक्स करके मिला लिया, सो दैट हमारे मसाले जले नहीं। देखिए हमारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं, ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1/2 कप पानी ले के डाल देंगे और इसे कवर करके कुक करेंगे, सो दैट जो हमने मटर डाले ना वो गल जाए। तो देखिए हम इसे कवर करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। तब तक हमारे मटर गल जाते हैं,
ये जो हमने काजू लिए थे ना, इनका पेस्ट बना लेंगे। तो इन्हें जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने काजू का पेस्ट बना लिया है। देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो गए हैं, ऑयल भी इसने अपना रिलीज कर दिया है। अब हम इसको देंगे शाही टच। सबसे पहले डालेंगे जो काजू का पेस्ट बनाया था ना हमने, वो डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप काजू का पेस्ट डालें तो चलाते रहें, क्योंकि आप नहीं चलाएंगे ना तो वो नीचे लगने लगता है। देखिए हमने काजू के साथ भी अपने मसालों को अच्छे से भून लिया है। तो इस स्टेज पे हमने ये जो खोया लिया था ना, इसको डालेंगे। एक साथ पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा मैश करके डालिएगा। इस तरीके से मैश करके डालिएगा। देखिए हमने खोया डाल दिया और इसे भी मिक्स करते जाएंगे। इस टाइम पे आप बिल्कुल भी इसे छोड़िएगा मत, चलाते हुए पकाते रहिएगा। इसी कसूरी मेथी भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे। लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे मसालों को। देख सकते हैं खोया डालने से कैसे एकदम दानेदार टेक्सचर आया हमारी ग्रेवी का, देख सकते हैं। तो देखिए हमारा खोया अच्छे से भून गया है ग्रेवी के साथ में। अब हमने जो पनीर अपनी शैलो फ्राई करी थी ना, ये डाल देंगे इसमें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि पनीर को फ्राई करके डालो अगर ग्रेवी में तो वो टाइट हो जाता है। तो उसका भी एक जुगाड़ है हमारे पास में, आप उसे पानी में सोक करके रखिएगा, आपका पनीर सॉफ्ट रहेगा फ्राई करने के बाद भी। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी ग्रेवी के साथ में। इतनी लाजवाब लग रही है ना, एकदम हल्के हाथों से चलाइएगा क्योंकि पनीर टूट सकता है आपका। साथ ही हम डाल देंगे इसमें अपनी फ्रेश क्रीम। ये जो हमने गरम मसाला बचाया था ना, वो भी डाल देंगे और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारी क्रीम के साथ भी सब्जी अच्छे से कुक हो गई है और आप इसकी रंगत देख सकते हैं ना, कितनी ज़्यादा रिच और क्रीमी लग रही है ये। देखिए हम आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं, कितनी ज़्यादा दानेदार ग्रेवी बनी है और खुशबू भी यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, लग रहा है ना एकदम शादियों वाला। बस अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ये देखिए हमारी एकदम हलवाई स्टाइल में शाही मटर पनीर बनके तैयार है। अगर आप मेरी ये रेसिपी एक एक मेरे बताए हुए स्टेप्स और मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे ना, तो आपकी भी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है और लोग तारीफ़ किए बिना तो जाएंगे ही नहीं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।